मौजा मेले हर दिन मसले नए नवेले नोटी नोटी हर शरारत कैसे कैसे खेल खेले शोर शराबा टॉप पर है घर नहीं ये चिड़िया घर है सारे ड्रामे सब हंगामे एवरीडे है ब्रांड न्यू बच्चा पार्टी ऑन है हर पल मची हुई गुड मॉर्निंग उठ गया अबे सोया कौन था सोई तो मैं भी नहीं सारी रात कुत्ते के भौंकने ने तंग किया कुत्ते के बच्चे का जाके गला दबा दबाही देते ना तो अच्छा था दबा देता अगर उसके काटने का डर नहीं होता और ऊपर से वो बबली आंटी मेरे दिमाग में नहीं कुत्ते का गला दबाना था बबली आंटी का थोड़ी दिल तो कर रहा था उन बबली आंटी का भी जाके गला दबा दूं जान से मार दूंगा कुत्ते की नींद सुला दूंगा किसको खुद को उस कुत्ते को लेकिन सो तो तुम खुद रहे हो अच्छा हालांकि मैं उठ चुका हूँ जान बेटा प्लेट दो वहां से अबे गधे प्लेट फ्रिज में नहीं होती ये सीधे कैबिनेट है मेरी नींद आ रही है मेरे बेटे को नाश्ता करके ना सो जा मैं सो के नाश्ता नहीं कर सकता अबे गधे सोते में कौन नाश्ता कर सकता है पता नहीं आप बता दे पता है क्या नहीं गुड नाइट मॉम गुड नाइट ये गुड मॉर्निंग है मिनाहिल मॉर्निंग हो गई मुझे पता भी नहीं चला पता तो हमें भी नहीं चला उस कुत्ते के बच्चे ने पता चल ही नहीं दिया गुड मॉर्निंग डैड गुड मॉर्निंग मॉम मुझे बड़ी भूख लग रही है जल्दी से नाश्ता दे दे राम तुम सो गए थे नहीं रात को सोते नहीं उछलते हैं ना तुम कैसे सोए थे लेट ही और कैसे सोऊंगा तुम्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी शुरू में आ रही थी फिर मैंने हेडफोन लगा लिए किसको कुत्ते को नहीं मैं अपने आप को लगाऊंगा ना सही सी बात है और फिर आराम से सो गया कैसा नाश्ता तो दे दे शान भैया क्या कर रहे फंदा बना रहा हूँ घर वालों ने कुछ कहा नहीं तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी अरे नहीं भाई तो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं व्हाट मैं क्या कर रहा हूँ तो फिर ये फंदा क्यों बना रहे ये तो बबली आंटी के डॉगी के लिए बना रहा हूँ हैं क्या आप उसको वॉक पे लेके जा रहे हैं मैं उसको मून वॉक पे लेके जा रहा हूँ आप डॉगी को फांसी देंगे हाँ क्योंकि उसने हम सबकी नींदें हराम की हुई है उसने तो मेरी हलाल की है लेकिन मैं उसको हलाल कर दूंगा उसका गोश्त खाना हराम है तो मैं कौन सा चाइनीज हूँ जो उसके टिक्के बना रहा हूँ मैं तो बस उसको मारने की प्लानिंग सोच रहा हूँ मेरे जहन में एक प्लान है बताओ बबली आंटी का मकान बेच दे वेरी फनी बबली वैसे हम बबली आंटी का मकान कैसे बेच सकते हैं और इससे होगा क्या देखो इससे ये होगा कि बबली आंटी की ओर चली जाएंगी और उनका डॉगी भी साथ चला जाएगा देखो आइडिया बुरा नहीं है लेकिन पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा जरूर होगा मैं करके दिखाऊंगा कैसे देखो मैं स्टेट एजेंसी में जाके ना उनके मकान का नंबर लिखवा दूंगा और एक बार ऐसे बोर्ड भी लिख दूंगा हाउस फॉर सेल और एड्रेस दूंगा किसका बबली आंटी अरे यार बहुत जबरदस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर चलो ना इससे चलते जल्दी चली लेट्स गो अरे एक मिनट आपको पता है हमारी मिस को इंग्लिश बोलने का इतना शौक है कि कभी कभी उनकी इंग्लिश सुन के ना हम शौक हो जाते हैं अब हर कोई मेरी तरह तो जीनियस नहीं होता ना है हाँ हाँ वही पता है आज उन्होंने मुझसे क्या कहा क्या कहा उन्होंने कहा कि ब्रिंग योर बोथ पेरेंट्स योर मदर एंड स्पेशली योर फादर दिल तो चाह रहा है तुम्हारी टीचर को जाके कहूँ आई वॉन्ट टू क्लैप ऑन योर चीक है क्या मतलब मतलब ये कि मैं उनके गाल पे जोरदार थप्पड़ लगाना चाहती हूँ कितनी गलत इंग्लिश बोलती हो तुम्हारी टीचर भाई वही तो हम सब भी उनसे परेशान हैं अच्छा खैर तुम अपनी बुक्स निकालो मैं बताती हूँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं
ये आंटी के डॉगी से ना मैं बहुत परेशान हूँ। इस डॉगी का कुछ करना होगा। मैं तो कहती हूँ धरना होगा। तुम किताबें कर लो। धरने की? अरे इंग्लिश की। अच्छा ये, हाँ ये ठीक। खोलो ना, देख रही हूँ गोद में। एक और है, एक पढ़ लिया। अब हम शाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? उस कुत्ते के बच्चे के लिए एक ट्रैप बना रहा हूँ। जैसे ही वो इस ट्रैप में आएगा करंट खा के मर जाएगा। शाजी ये गलत है। गलत है? तू तार गलत जोड़ दिए। अरे नहीं, किसी को मारने का ये तरीका बहुत गलत है। क्यों? मुजरिमों को ऐसे नहीं मारते क्या? है? अरे वो तो मुजरिम होते हैं ना। हाँ, तो क्या करूं? इस पे चोरी या कत्ल का मुकदमा करूं, केस कराऊं, अंदर कराऊं, उसके बाद शॉक दे के मारूं? माना कि वो डॉगी सबकी नींदें हराम करता है, लेकिन उसको मारने का ये तरीका बहुत गलत है। तो क्या करें? वो खबीस हमारे साथ भग 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 करते हैं, एंड में ऐसा ना हो कि हम भी सब कर रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, बबली आंटी को बुलाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। हाँ, जैसे वो मान जाएंगी, है ना? अरे क्यों नहीं मानेंगी, मैं उनके फेवरेट आलू के पराठे बनाऊंगी। तो ठीक है, तुम अपने आलू के पराठे की टेक्निक आजमाओ, और अगर तुम नाकाम हुई तो फिर याद रखना कब सिर्फ और सिर्फ एक हल है, चूड़ो कराटे। आपको चूड़ो कराटे आते हैं? अरे ऐसा ऐसा जवानी में मेरा 6 लड़कों से खड्डा हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसा कूटा कि बस। अच्छा फिर? फिर मैंने कहा अबे ओ मर्द का बच्चा है तो एक एक करके आ। फिर एक एक करके आया, उन्होंने मुझे एक एक करके कूटा। उसकी गली में जाना है। श्याम भैया, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जाहिर है होनी थी, तुम जो भी काम करते हो उससे प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। जी नहीं, इस बार मैंने नहीं, आपने भी मिलके क्रिएट किया है। क्या मतलब भाई, क्या किया मैंने? बबली आंटी को पता चल गया उनका घर किसने फोर्स से लिखवाया था। क्या? ओहो, रियान अब तो तुम्हें बबली आंटी से कोई नहीं बचा सकता भाई। सिर्फ मैं नहीं फंसूंगा, आप भी फंसेंगे क्योंकि आप भी मेरे साथ इसमें शामिल थे। प्लान तो तुम्हारा था ना, दिमाग तुमने चलाया था। अब बबली आंटी का हाथ छोड़। तू भाई अंधी लग रही है क्या? है, लेकिन वो तो देख सकती है। अरे मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या वो देख नहीं सकती? भाई हमारी मॉम डैड नहीं है क्या? क्यों मारेंगे हमें? वो लोग घर पे ही है, अगर बबली आंटी ने नहीं मारा तो मॉम डैड मारेंगे। भाई हमारे मॉम डैड क्यों फजूल में मारेंगे यार? क्योंकि वो शिकायत लगाएंगी। ओहो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? अब पिटाई होगी। किसकी? बबली आंटी की? भाई हमारी। ए यार, ओहो तुम्हारे आईडी पे अमल करने नहीं चाहिए था मुझे। तो मुझे क्या पता? अच्छा तुम जेल जाते अगर फांसी दरवाजे कुत्ते को। कुत्ते को फांसी को थोड़ी होती है यार। तो भाई वो बंदा क्यों बना रहे थे? कौन आ गया? बबली आंटी, आइए अंदर आइए। कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। वो तो हम सभी को पता है। क्या कहा? मेरा मतलब कि आप बहुत अच्छी और ये हम सब जानते हैं। अच्छा अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ। आप कोई दोस्त है क्या जो मैं आपको मक्खन लगाऊंगी? पूरी की पूरी फैमिली बदतमीज। अरे आप बड़े गुस्से में लग रही है, क्या बात है? खैरियत तो है? खैरियत तो अब किसी की नहीं है। कहाँ है वो टांग बराबर लड़का? है, आपने कुछ रखवाया क्या उसके पास? लगता है कि छुपाया तुमने उसे। हटो मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। कहाँ है वो? अरे बबली आंटी बहुत गुस्से में लग रही है, सब खैरियत तो है ना? बैठे बैठे बैठे। गुस्से से ज्यादा तो बिक्की भी लग रही। कहाँ है आपका छोटा बेटा? कौन शाबिश, उसने क्या किया? वो तो हमसे पकड़ता मेरा। वो नहीं रियान, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पहले पकड़ता हूँ। रियान ने क्या किया? उसने मुख्तलिफ एजेंसीज में जाकर मेरे मकान का लिखवा दिया बराए फरोख्त। तरह तरह के लोग आ रहे मेरे घर पे। बहन कितने का है? बहन कितने का है? रयान ने ऐसा किया? यकीनन तबके किया है उसने। तबके? मैंने क्या कहा उससे? कुछ भी तो नहीं। आपने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता आपके कुत्ते ने कहा है बहुत कुछ। मेरा टाइगर उर्दू बोलता है। है? चूजे जैसा कुत्ता और उसका नाम टाइगर?
चूहे जैसा नहीं है, इतने बड़े बड़े दांत हैं उसके, काट लेना तो पूरी बोटी निकाल ले, समझी? अरे तो आप उसे फ्रिज से बोटी निकाल के खिलाए ना, मेरी बच्ची को क्यों कुत्ते से कटवा रही है? और एक और बात बबली आंटी, देखिए रैयान ने जो कुछ किया उसकी उसको सजा जरूर मिलेगी, मान लीजिए मिलेगी, लेकिन आपके कुत्ते यानी आपके टाइगर ने जो कुछ किया है भौंक भौंक के हम सबका जीना हराम किया है, वो भी तो है ना, है, है? कुत्ता है तो भौंकेगा, म्याओ म्याओ नहीं करेगा, लेकिन उसके वक्त बेवक्त भौंकने से ना हम सब डिस्टर्ब होते हैं, मोहल्ले के भी कुछ हुकूक होते हैं। तो ऐसा करें आप लोग उसे बिठाकर मोहल्ले के सारे हुकूक समझा दें, फिर शायद वो ना भौंके। बबली आंटी आपको नहीं लगता कि आप अपने डॉगी को ज्यादा ही हिमायत कर रही हैं, जबकि आपने उसे समझाना चाहिए कि मोहल्ले के भी कुछ हुकूक होते हैं कि वो बिला वजह ना भौंके और हम सबकी नींदें डिस्टर्ब ना करे। देखो लड़की अगर मेरा कुत्ता उर्दू जानता ना तो मैं उसे स्कूल में दाखिल करवाती, तो हम भी उसे मोहल्ले के हुकूक नहीं समझाएंगे। देखो रियान ने जो किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। हमारी एक शर्त है, आपको अपने कुत्ते को यहाँ से दूर भेजना होगा। ठीक है, फिर आप लोग भी रियान को बोर्डिंग स्कूल भिजवा दें, मैं भी अपने कुत्ते को अपनी अम्मी के घर भिजवा दूँ। बोले मंजूर है? जी मंजूर है। शाजी मंजूर है हमें आपकी शर्त, वो बोर्डिंग स्कूल जाएगा। डैड ये हुई ना बात, अल्लाह तेरा शुक्र जान छुटी इस बच्चे से। जान तो इस कुत्ते के बच्चे से। क्या हो गया शाजी आपको, इतने आराम से आपने उनकी शर्त मान ली भाई? अच्छा ये हमारी भी जान छूटेगी, मतलब हद होती है, मोहल्ले वालों ने अंबार लगाए हुए रयान के खिलाफ शिकायतों के। लेकिन रयान बोर्डिंग हाउस नहीं जाएगा, बस तो कहाँ जाएगा, सिनेमा हाउस जाएगा। हरकत तो देखो मौसूफ की, मोहल्ले के मकानों के सौदे करने शुरू कर दिए। वाह आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रयान अकेले ये काम नहीं कर सकता, जरूर शान भी गया होगा उसके साथ। तो वेरी गुड, दोनों को एक साथ उठा के बोर्डिंग हाउस भेज देते, एक साथ जान छूट जाएगी। क्या हो गया सर जी आपको, एक कुत्ते के लिए आपको अपने दोनों बेटे बुरे लगने शुरू हो गए। वैसे तुम क्या तो सही रही हो, कुत्ते की वजह से मुझे अपने बच्चों पे गुस्सा आ रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? ठीक है बच्चे छोटी मोटी शरारत कर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट तो नहीं देनी चाहिए ना। तो काम भी तो इतना ही बड़ा किया है, अगर मकान बिका तो कमीशन भी तो उसी को मिलेगा। ठीक है नहीं भेजते, डन खुश। रयान ने ना बहुत गलत काम किया है। वैसे वैसे ये रयान का बच्चा है, अभी जाके उसकी खबर ले। इसका मतलब है कुत्ता कहीं नहीं जाएगा, क्या मुसीबत है यार। डैड ये मेरा नहीं रयान का आइडिया था। हाँ तो तुम भी तो मेरे साथ गए थे, भर भर के बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लोकेशन है, हवादार है, वेस्ट ओपन है। मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि इसके इतने छोटे से दिमाग में इतने बड़े बड़े आइडियाज आ कहाँ से रहे हैं। इसका दिमाग छोटा नहीं है, गंदा है, मेरा मतलब है कि साजिश ही है। और खुद के दिमाग में जो क्रिमिनल आइडियाज आ रहे थे वो क्रिमिनल, कौन से क्रिमिनल आइडियाज? अरे कुछ नहीं डैड, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। मैं बताता हूँ अभी, पता है जैसे ही मैं कमरे में आया ये ना रस्सी का फंदा बना रहे थे। रस्सी का फंदा? खुदकुशी करने का इरादा था क्या? नहीं मैं भी नहीं समझा, लेकिन ये बबली आंटी के कुत्ते के लिए बना रहा था, कह रहा था कि मैं उसके गले में डालूंगा, छत पे खींच लूंगा। ओह कैसा ज़ालिमाना आइडिया है, क्या हो गया शांत तुम्हें हैं? सॉरी डैड, अब उस कुत्ते ने भौंक भौंक के मेरा दिमाग खराब कर दिया था, चिड़चिड़ा कर दिया था, मुझे जो समझ में आया बस मैं उस पर अमल करना शुरू हो गया। मैंने भी इनको रोका, मैंने कहा मेरे ज़हन में एक आइडिया है, मैंने कहा कि बबली आंटी का मकान बेस्ट है। जी और ऐसा करने से बबली आंटी यहाँ से कहीं और चली जाएंगी कुत्ते समेत। आपस की बात है, आइडिया अच्छा है, और अगर कोई अपना घर बेचना ही ना चाह रहा हो तो तुम्हारी बबली आंटी आग के गोले बरसा रही थी। मैंने कहा तो उन्हें पता चल गया है। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, अब उनका डॉगी नहीं भौंकेगा। के मुंह में क्या थर्मामीटर लगा दिए? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है। मेरा बंदोबस्त मतलब? मैंने उनसे डील कर ली है कि मैं तुम्हें बोर्डिंग भेज दूंगा। Yes! तो वो अपने कुत्ते को कहीं और भेज देंगी। आप मुझे बोर्डिंग भेज देंगे? डैड क्या वाकई रियान को बोर्डिंग हाउस भेजेंगे? नहीं यार, अब उनको ठंडा करने के लिए कहना पड़ा, लेकिन मसला ये है कि अगर इसको बोर्डिंग नहीं भेजा तो वो मनहूस कुत्ता भी कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। ये तो प्रॉब्लम डबल हो गई है।
बुलडॉग डॉगी से ज्यादा तो तुम्हारी आवाज जहर लग रही है। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रहा है इस तरह? मॉम डैड इसको बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं इसीलिए रो रहा है। अरे उन्होंने तो ऐसे डराने के लिए कहा था, हम तुम्हें कहीं नहीं भेज रहे। मॉम मेरा बच्चा बच्चा बन जाऊंगा, मिशा भेज के डायपर भी चेंज करेंगे, मिशा से पहले करेंगे, तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ना मेरा बच्चा रो रो के कितना हलकान हो गया है। हलकान? इसने कान खा गया है रो रो के। बबली आंटी का डॉगी से ज्यादा तो ये भौं भौं कर रहा है। मॉम देखिए मैं इसे इतना रोने भी नहीं दे रही। अच्छा ना बस करो, मैं काम करती हूँ, मैं ना बबली आंटी को बुलाती हूँ और उनसे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलवाती हूँ। मैं बबली आंटी को बुला के लाती हूँ। जी प्लीज। मैं भी जा रही हूँ। अरे रुक ना जाओ, मैं मेरे से कोई देखता नहीं है। क्या क्या मुझे कोई देखता नहीं है। बबली आंटी मजेदार हलवा खाएं, खास तौर पे आपके लिए बनाया। ये हलवा खिलाकर कोई जलवा दिखाना है क्या? मुझे नहीं खाना ये हलवा, क्या पता इसमें कुछ मिला हो तो मैं तो टें हो जाऊंगी। अरे क्या बात कर दी आपने। देखिए अगर इसमें कुछ मिला होता तो हम आपके थोड़ी खिलाते, हम आपके कुत्ते को खिलाते ताकि वो टें हो जाए, है ना? खबरदार खबरदार, अगर मेरे कुत्ते की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा तो मैं उसे छू करूंगी ना, फिर वो जाने और आप। मेरे ख्याल से शान भैया के फंदे वाला आइडिया ज्यादा अच्छा था, उसे फौरन इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में डैड का जो ट्रैप वाला आइडिया था ना, वो करंट लगाएंगे तो उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे नहीं, मेरे ख्याल से टाइगर को जहरीले लड्डू खिला देने चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहे हो शान, जहरीले लड्डू जाया करोगे? मैं तो कह रहा हूँ सीधा सीधा कुत्ता मार मुहिम वालों को फोन करो यार, कम खर्च वाला मशीन जान छूट जाएगी। लगता है तुम लोग मेरे टाइगर की जान लेकर छोड़ोगे। अरे सारा मोहल्ला आपके कुत्ते के पीछे लगा, पता है मिस्टर करीम कह रहे थे मैं अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा उसे। हाँ और दुनिया बशीर साहब रिटायर्ड DSP, वो कह रहे थे मेरी दो नाली बंदूक पे पड़े पड़े जंग लग रहे। अरे उस खबीस कुत्ते पे चला दूं, आप भेजो उड़ा देते उसका। नहीं नहीं, मतलब सारा मोहल्ला मेरे टाइगर के पीछे पड़ गया है। मैं अपने टाइगर को वापस छोड़ाऊंगी, खुद छोड़ने जाऊंगी उसे, मुझे नहीं पालना कोई कुत्ता होता। अरे अरे बबली आंटी ये हलवा तो खाते जाइए। मुझे नहीं खाना ये हलवा, तुम खाओ। टाइगर आंटी, टाइगर आंटी, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। अबे बोर्डिंग हाउस में नहीं जाऊंगा। अरे उनका डॉगी तो क्या, अब हमारा डॉगी जाएगा ये। अबे मजाक कर रहा हूँ मोटू, कहीं नहीं जा रहे हैं। एक घर सौ झमेले, हर दिन मसले नए नवेले, नोटी नोटी हर शरारत कैसे कैसे खेल खेले, शोर शराबा।